प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल अभियान को सफल बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शुरुआत की गई ई पेमेंट योजना नगर परिषदों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। विभाग के आयुक्त को निर्देश के जल्दबाजी में अधूरी तैयारी के ही ई पेमेंट प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से आगर मालवा जिले की सभी नगर परिषदों में 1 अप्रैल से सभी तरह के भुगतान रुक गए हैं। साथ ही नगरीय निकायों में निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों का भी समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे निर्माण का कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही भुगतान के लिए अब लोग नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं। 1 अप्रैल से ई नगर पालिका और नगर परिषद प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नगर परिषदों के भुगतान से लेकर सभी तरह के काम ऑनलाइन शुरू होना थे, लेकिन 1.5 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी नगर परिषदों में काम मैनुअल ही किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को भी सॉफ्टवेयर को समझने में परेशानी आ रही है। यही वजह है कि अब तक इस सॉफ्टवेयर से काम शुरू नहीं हो पा रहा। इसी के चलते 1 अप्रैल से ठेकेदार व अन्य लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ठेकेदार सहित लोग भुगतान के लिए नगर परिषदों के चक्कर काट रहे हैं। प्रदेश में सभी नगर पालिकाओं व नगर परिषदों को ई नगर पालिका और नगर परिषद बनाने का ठेका लेने वाली यूएसवी ग्लोबल और एबीएल कंपनी में काम के मुताबिक कर्मचारियों की संख्या कम होने से यह प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। जानकारी के मुताबिक नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त विवेक अग्रवाल के निर्देश पर हाल ही में ई पेमेंट का एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया। नगर पालिका और परिषदों को उत्कृष्ट साबित करने के फेर में आयुक्त ने ई पेमेंट योजना को बगैर तैयारी के शुरू कर दिया, जिसके दुष्परिणाम अभी से दिखाई देने लगे हैं। बिना किसी ट्रेनिंग के इस प्रक्रिया को थोप दिया गया, जिसके कारण नगर परिषदों को अब छोटे मोटे भुगतान के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। जिले के सुसने नगर परिषद में पानी के मटके, वाहनों के पंचर सुधारने जैसे छोटे छोटे भुगतान भी 1.5 माह से लंबित है। 150 रुपए के भुगतान के लिए भी दुकानदार नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं। ये नगर पालिका का भाई साहब वो है ना, तो शासन से लागू हुआ है और 1 अप्रैल से ये इस चालू वित्तीय वर्ष से ही सब ई नगर पालिका के माध्यम से भुगतान होना और चेक से भुगतान के लिए रोक लगा दी गई है शासन से। और नगर पालिका सुसनर ने भी आज दिनांक तक 1 रुपये का भी चेक से भुगतान नहीं किया है। और शासन ने ही कोई ठेका प्रथा से कोई ई नगर पालिका वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उनको ठेका वगैरह दे रखा है, तो उनका कुछ अभी हमारी मीटिंग भी हुई थी, हमारे जॉइंट डायरेक्टर संयुक्त संचालक महोदय की मीटिंग में पूरे संभाग के लोगों ने जो तो समस्याएं रखी थी कि भुगतान उन अभी तक नहीं हुए हैं, तो हम लोगों को परेशानी आ रही है। और हमने यहाँ भी रखा था, बात बताई थी कि भाई हमारे छोटे छोटे जो पेमेंट है कम से कम ये तो चालू करवाओ। नगर परिषद की सेवाएं ऑनलाइन होने के संबंध में नागरिकों को जानकारी ही नहीं है। नगर परिषदों ने भी इसके लिए कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है। प्रचार प्रसार के अभाव में इस योजना का उपयोग लोग किस तरह करेंगे, यह बड़ा सवाल है। जल्दबाजी में शुरू की गई यह योजना परिषदों के लिए सुविधा की जगह दुविधा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।